फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में पीपीगंज पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए एक फर्जी लाइसेंस पर असलहा रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान विजय प्रताप पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी घोसीपुरवा थाना शाहपुर के रूप में हुई है। इसके पास से पुलिस ने एक राइफल, एक पिस्टल, एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस व एक फॉर्चूनर गाड़ी बरामद की है। पूरा मामला फर्जी लाइसेंस की शिकायत और स्कैनिंग के दौरान सामने आया। इसके बाद हरकत में आए प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारियों ने शहर की सभी दुकानों पर दस्तावेज की जांच शुरू कर दी, जिसके तहत कोतवाली थाना क्षेत्र के टाउन हॉल स्थित रविगन कारपोरेशन को सील भी कर दिया गया। जिसके बाद जिलाधिकारी ने जनपद के सभी 23,000 शस्त्र लाइसेंसों और असलहा का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। गिरफ्तार अभियुक्त विजय से पूछताछ में पता चला कि उसने अपना फर्जी लाइसेंस साल 2016 में जारी करवाया है और विभाग में मिली भगत करके इसे ऑनलाइन भी दर्ज करवा लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। मेन टेक्निक होती है इनकी कि दूसरे के असला नंबर जो ऑलरेडी इश्यूड है कई साल पहले, ये किसी संतोष, ये किसी संतोष कुमार के नाम से असला है। ये लोगों से पैसे लेता है और वो किसी को देता है, इस तरीके का इनका रैकेट है। ये जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि फर्जी लाइसेंस वाले मामले में कप्तान साहब के निर्देशानुसार एक मुकदमा लिखा गया था कैंट थाने में 719, 420, 467, 68, 71 और 120 बी के अंतर्गत। उसी में कप्तान साहब के निर्देशानुसार एक SIT गठित की गई है, जिसमें मैं हूं और साथ में मेरे CO कैंट साहब हैं और दो और SI हैं। इसी में CO कैंट साहब और CO क्राइम साहब द्वारा टीम बनाकर एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक फर्जी लाइसेंस बरामद हुआ है और उस फर्जी लाइसेंस में इन्होंने दो असले खरीदे थे जो इनके पास से प्राप्त हुए हैं। ये थाना पीपीगंज से इनको गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पे क्राइम टीम तथा CO कैंट साहब की टीम इसमें लग के इनको गिरफ्तार की है और इनसे अभी पूछताछ जारी है। इन असलों में एक राइफल 5 लाइव कार्ट्रेज के साथ और एक पिस्टल 5 लाइव कार्ट्रेज के साथ, साथ में एक गाड़ी जो ये प्रयोग कर रहे थे, ये सारा कुछ बरामद किया गया। ये इन्होंने अभी पूछताछ अभी जारी है। इन्होंने बताया है कि रवि आर्म्स एक दुकान है, उससे इन्होंने लिया था। अभी आगे पूछताछ में जो जो बातें निकल के जाएंगी उसी हिसाब से विवेचना आगे प्रचलित रहेगी। सर कुछ और लोग चिन्हित हैं इसमें, इनके बातचीत की जा रही है और लोगों के नाम भी आ रहे हैं इसमें। जैसे जैसे नाम आते जाएंगे विवेचना के क्रम में जो जो लोग मिलते जाएंगे उनसे जानकारी के आधार पर विवेचना आगे बढ़ेंगे। खास इनका कोई मिला नहीं है इस प्रकार का, इनका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। DCRB को भी उनसे भी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ये क्योंकि अभी अभी गिरफ्त में आए, पूछताछ में बाकी की बातें निकल के आएंगी। अभी कब लिए थे सब ये? 2016 में बता रहे हैं कि इन्होंने ये लाइसेंस लिया था और उसके बाद इस पर असला खरीदा था। उसमें निकलेगा मगर लाइसेंस पे जो नंबर है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी और लाइसेंस का नंबर इस पे कॉपी करके उसके आधार पे ये लिया गया है। मिलान में भी और भी जो चीजें निकल के आएंगी वो सामने आएंगी।